मैं खाता हूँ मैं खाता हूँ क्या है आई ईट आई ईट मैं जाता हूँ आई गो मैं सोता हूँ आई स्लीप मेरे पास कार है आई हैव ए कार उसके पास पेन है ही हैज ए पेन ये सब क्या हैं जहाँ पे ता हूं खासकर ता ते वह जाते हैं वे खाते हैं वे सोते हैं वे नहाते हैं ये किस में आता है है तो प्रेजेंट सिंपल ये किसमें है प्रेजेंट सिंपल ता जिसमें आता हो खाता है जाता है सोता है रोता है ये सिंपल वाक्य है और एक चीज़ आप इसमें नोट करोगे कि इसमें एक तरीके से आदत बताई जा रही है वह खाता है मतलब खाने की आदत है वह जाता है मतलब जाता है यह क्रिया करता है कर रहा है नहीं किया था नहीं करता है वह लिखता है तो जब लिखता है जाता है खाता है सोता है तो क्या होगा प्रेजेंट सिंपल ही ईट्स प्रेजेंट सिंपल राइट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट इसमें आएगा अब हम आते हैं दूसरे पर प्रेजेंट सिंपल के बाद नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंटिन्यूस शब्द जैसा बताता है काम जारी है मैं क्या कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं मतलब काम जारी है रहा हूं खा रहा हूं जा रहा है सो रहा है बोल रहा है चढ़ रहा है नहा रहा हूं कपड़े धो रहा हूँ सब क्या है प्रेजेंट में है और काम जारी है मैं कब बोलूँगा कि मैं खा रहा हूँ जब आप अभी वर्तमान में पूछोगे कि क्या कर रहे हो मैं अभी क्या कर रहा हूँ मैं अभी पढ़ा रहा हूँ मैं अभी लिख रहा हूँ तो ये आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहला वाला क्या था ता खाता है जाता है क्रिया जो है जिसको हमने वर्ब कहा वर्ब का हिंदी में खाना नहाना नहाता है गाना गाना गाना, गाना गाता है चलना चलता है सोना सोता है बोलना बोलता है ता 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 जिसमें आ रहा है सामान्यतया वे सब सिंपल फॉर्म है प्रेजेंट के किसके सिंपल फॉर्म है प्रेजेंट के ता और कंटिन्यूस में रहा हूं रही है क्योंकि काम जारी है है शब्द को बार बार ध्यान दें और जारी है केवल है नहीं जारी है काम जारी है एक्शन जारी है काम से क्या मतलब है एक्शन और टाइम क्या है प्रेजेंट एक्शन क्या है बोलना बोलना जारी है उसका मैं बोल रहा हूं मैं बोलना जारी है तभी तो मैं क... तुम क्या कर रहे हो मैं पढ़ रहा हूं तो एक्शन जारी है तो एक्शन और काम का जारी होना दोनों किसी एक वर्ब से मिल जाए किसी वर्ब के किसी एक फॉर्म से तो वो क्या है सिम प्रेजेंट कंटिनुअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस फिर से रिपीट करें काम जारी है तो वह क्या कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और कौन सा फॉर्म आएगा इसमें मैंने बताया था फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी राइट ही इज गोइंग यू आर प्लेइंग यू आर प्लेइंग फुटबॉल काम जारी है मतलब अभी खेल रहे हो यू आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ काम जारी है तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअर द थर्ड मेथड इज द थर्ड फॉर्म इज रिमेंबर काम पूरा हो गया एक में सिंपल था एक में काम जारी था जारी एक काम पूरा हो गया किताबें में तीस रख दिया उसके बाद बाकी चालीस भी रख बाकी सत्तर भी रख दिया तो काम पूरा हो गया जब पूरा हो जाता है तो क्या होता है परफेक्ट कैटेगरी में आता परफेक्ट परफेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं परफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं हैव बीन दे हैव बीन ईटिंग दे हैव बीन ईटिंग ही हैज बीन डांसिंग काम पूरा हो गया उसने काम पूरा कर लिया उसने काम पूरा कर लिया ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क राइट ही हैज बीन देयर प्रेजेंट परफेक्ट ही हैज बीन देयर ओके नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आई हैव बीन लिविंग हियर आई मैं यहाँ रह रहा हूँ रहता रहा हूँ मैं यहाँ रहता रहा हूँ आई हैव बीन लिविंग हेयर दे हैव लिव्ड हेयर वे यहाँ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट दे हैव लिव्ड हियर Present perfect continuous, they have been living here. Now, having done present, four types: present simple, present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous, it is easy for us to make past, four forms of past. देखिए मैं यदि हिंदी में इन वाक्यों को बोलूं मैं जाता हूं मैंने बताया ता जहां आता है प्रेजेंट में वो हो गया सिंपल मैं जा रहा हूं काम जारी है प्रेजेंट में मैं जा रहा हूं ये दूसरा टाइप सेकंड फॉर्म द थर्ड फॉर्म मैं गया हूं काम पूरा है परफेक्ट एंड फोर्थ इज मैं जाता रहा हूं आई हैव बीन गोइंग आई हैव बीन गोइंग मैं जाता रहा हूं तो दिस इज परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने काम पूरा किया है और काम जारी भी है so this is perfect continuous present ka now let us come to the past in the past again four types and if you have understood the present form of verb then you will be better placed to make sentences in past category What are the past? Past simple, past continuous, past perfect and past perfect continuous. यदि मैं इसको दोहराऊं, तो simple में क्या होगा? Simple में जो second form है verb का, वो आता है. Simple past में जो second form है. सेकेंड फॉर्म गया सोया खाया नहाया रोया बोला आई वेंट दैट इज सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल में सेकेंड फॉर्म ही लिव्ड सेकंड फॉर्म आई लिव्ड इन लंडन इज पास्ट सिंपल आई लिव इन लंडन इज प्रजेंट सिंपल रहता हूं जाता हूं खाता हूं यह है प्रजेंट सिंपल और पास सिंपल में रहा खाया तो आई लिव्ड इन लंडन मैं लंदन में रहा देखो इससे पहले मैं आगे बढ़ू एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है और वो ये कि यदि मुझे अंग्रेज़ी का टेंथ सही समझना है अंग्रेजी में मुझे टाइम एक्शन और वर्ब या वर्ब का सही उपयोग कर जानना है तो मेरी हिंदी भी ठीक होनी चाहिए हम में से बहुत लोग हम देखते हैं कि वो हिंदी के वाक्यों को बिना आ, सही तरीके से सोचे किस समय बोल रहे हैं टाइम उसका ध्यान रखे बिना वाक्य बोल देते हैं एक्शन बोल देते हैं और सामने वाला समझ भी जाता है लेकिन ऐसा गलत है हर एक्शन का टाइम से संबंध है जैसा मैंने पहले कहा देर कैनोट बी एनी एक्शन विदाउट टाइम एंड एवरी एक्शन विल टेक टाइम एवरी एक्शन विल हैव ए टाइम तो हमको बड़ा क्लियरली करेक्टली हमको टाइम को बताना होगा एक्शन के साथ तो ये हिंदी में यदि आप अच्छी तरह समझ रहे हैं तभी अंग्रेजी में उसको ठीक से आप समझ पाएंगे तो अपनी हिंदी बोलने की शैली में भी सुधार करने की जरूरत है यदि आप यदि आप टाइम का ध्यान नहीं रखते हो बोलते समय किस टाइम पर बोलना है किस टाइम पे क्या चीज़ बोली जा रही है कमिंग बैक टू द पास्ट पास्ट मतलब जो बीत गया मैंने खाया मैंने खाया पास्ट मैं सोया पास्ट ये सबसे सिंपल फॉर्म है सोता हूं खाता हूं जाता हूं सोया खाया गया ये कौन सा फॉर्म हो गया पास्ट का सिंपल फॉर्म पास्ट का सिंपल फॉर्म राइट right. अब पास्ट के सिंपल के बाद नेक्स्ट है पास्ट का कंटिन्यूअस प्रेजेंट का कंटिन्यूअस क्या था कंटिन्यूअस मतलब काम जारी है प्रेजेंट में जब काम जारी है तो मैंने क्या कहा हिंदी में क्या वाक्य बना वह जा रहा है जारी है ऐसे ही पास्ट में भी काम जारी रहता है जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम जा रहे हो बोलेंगे क्या जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम खा रहे हो बोलेंगे क्या थे बोलेंगे तो जब मैंने देखा ना उस समय तुम काम जारी रखे थे कौन सा एक्शन खाने का एक्शन और खाने का एक्शन क्या था पूरा हो गया था क्या एक्शन ही शुरू नहीं हुआ था यह एक्शन चल रहा था एक्शन चल रहा था एक्शन हो रहा था काम जारी था तो पास्ट कंटिन्यूस में भूतकाल में बीते गए समय में जब काम जारी है तो क्या रहेगा आई वॉज गोइंग आई was गोइंग ही was गोइंग क्या रहेगा ही was गोइंग ये क्या हो गया बीते हुए समय में काम जारी था बीता हुआ समय में काम जारी था कब होता है जब तुम आए मैं खा रहा था जब तुमने फोन किया मैं बात कर रहा था जब तुमने दरवाजा खटखटाया मैं सो रहा था तो जब तुम आए जब तुम आए तो मेरा कौन सा काम जारी था सोने का काम जारी था दरवाजा खटखटाए तब मैं पूजा कर रहा था उस समय मेरा कौन सा काम जारी था मेरा पूजा करने का काम जारी था मेरा एक्शन कौन सा एक्शन था प्रेयर टू प्रे प्रेयक वाला एक्शन मेरा जारी था लेकिन यदि मैं उसको एक्शन वर्ब है तो वर्ब तो टाइम भी बताता है तो मैं क्या बोलूंगा प्रेड यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको वी टू करके लिखा था सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पहला क्या हुआ गो दूसरा क्या हुआ वेंट गोवेंट तो अब यहां क्या बोलेंगे पास सिंपल में ही वेंट टू लंडन और पास कंटीनुअर्स में काम जारी था ही वॉज गोइंग टू लंडन एम आर राइट ही इज गोइंग टू लंडन कब रहेगा प्रेजेंट कंटीनुअर्स में इज है इज है और यहां हम बोल रहे हैं था वह जा रहा वह रह रहा था वह जा रहा था ही इज गोइंग टू लंदन ही was गोइंग टू लंदन वह लंदन जा रहा था ही was स्लीपिंग वह सो रहा था तो ये था और जारी इसको हम कहेंगे continuous, और कौन सा continuous? पास्ट कंटिन्यूस मतलब जारी और कौन सा पास्ट बीता हुआ अब थर्ड फॉर्म क्या है थर्ड फॉर्म आपने पढ़ा था काम पूरा हो जाने का तो काम पूरा हो जाता है तो उसमें हम थर्ड फॉर्म क्या बोलते हैं परफेक्ट क्या बोलते हैं परफेक्ट तो अभी हम कौन से परफेक्ट की बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की कौन सा परफेक्ट पास्ट परफेक्ट पास परफेक्ट में क्या होगा पास्ट में क्या था पास्ट सिंपल में ही वेंट पास्ट सिंपल में क्या था ही वेंट अब पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा ही हैड गॉन यानी थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म आएगा और थर्ड फॉर्म में गो का थर्ड फॉर्म है गॉन He had gone. Past perfect में वह गया था पहला क्या था वह गया अब पहला जो past simple है वह गया और जो past perfect है वह गया था इसमें अंतर स्पष्ट रखिएगा गया दोनों में लगा है लेकिन एक में था है तो गया था और गया दोनों में अंतर है मैं गया मैं गया था जब वो आया तब मैं गया वेन ही केम देन आई वेंट जब वो आया तब मैं गया और जब वो आया था तब मैं गया था अंतर है टाइम सेंस को ख्याल करिए जब मैं आया था तब वो गया था या जब वो आया था तब मैं गया था सो हैड गॉन यहां पे देखिए क्या जाएगा हैड गॉन सो नाउ वी कम टू दर्ड फॉर्म फर्स्ट इज आई वेंट सो पास सिंपल विच इज द फर्स्ट फॉर्म उसमें क्या बनेगा मैं गया मैं गया सेकेंड फॉर्म पास कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस लेकिन कब बीते हुए समय में मैं जा रहा था थर्ड फॉर्म मैं गया था काम पूरा हो गया तो परफेक्ट मैं गया था काम पूरा हो गया कुड यू गेट मी समझ पाए आप ये अंतर मैं गया और मैं गया था का अंतर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं गया मैं गया, मैं गया था राइट एंड द फोर्थ इज पास्ट परफेक्ट कंटिन पास्ट परफेक्ट कंटिनुअस में क्या होता है कुछ काम पूरा हो गया है और कुछ बचा था भूत में बीते हुए समय में कुछ काम पूरा हो गया था और कुछ बचा था ऐसा कब होता है बीते हुए समय में तो सब पूरा हो जाना चाहिए एक सिचुएशन है वही जो मैंने आपको पहले बताई या मैं बताता हूं एक आ, मैं आपको कहता हूं कि यह सब सामान को इस कमरे से उस कमरे में ले जाओ आप सामान ले जा रहे हैं आधा ले गए हैं और उसके बाद आपके पास फोन आता है और मैं पूछता हूं मेरा फोन आता है और मैं पूछता हूं काम हो गया है आप कहते नहीं कुछ हो गया है और कुछ हो रहा है अब इसको कल्पना करिए बीते हुए समय में होता क्या काम हो गया था यह कब बोला जाएगा काम आपको दिया गया था यहां से वहां शिफ्ट करने का इस बीच कुछ घटना हुई काम आधा बचा था और मेरा फोन आता है तो मैं पूछता हूं क्या काम हो गया था तो आप क्या कहेंगे कि नहीं कुछ हो गया था और बाकी हो रहा था तब वो आए कुछ सामान मैंने हटा दिया था और कुछ सामान हटा रहा था उस समय पानी गिरने लगा आधा पेज लिख चुका था बचा हुआ लिख रहा था उस समय बेल बजी ये क्या स्थिति है कुछ पूरा हो गया था तो परफेक्ट और कुछ बचा हुआ था जिसको मैं जारी जिसको मैं लिख रहा था कर रहा था जारी था तो वो हो गया कंटिन्यूस सो तो पास परफेक्ट कंटिन्यूअस उसमें क्या सेंटेंस होगा आई हैड बीन राइटिंग मैं लिख रहा था मैं लिखा था नहीं दोनों में था से आप कंफ्यूज ना हो जाएं मैंने लिखा था नहीं है काम जारी था मैं लिख रहा था ये कब बोलेंगे जो मैंने आपको उदाहरण दिए मैंने कहा सामान हटाने के लिए एक को वो सामान हटा रहा था कुछ सामान बचा था इतने में कोई आ गया तो उसको उसने मुझे फोन पर बताया कि जब मैं कुछ सामान शिफ्ट कर दिया था और कुछ बचा था तब वह आया तो ये हो गया आई आई हैड बीन शिफ्टिंग आई हैड बीन वॉचिंग आई हैड बीन राइटिंग मैं लिखता रहा था वो पहला हो गया मैंने खाया या मैं गया दूसरा हो गया मैं जा रहा हूँ जा रहा था तीसरा हो गया मैं गया था और चौथा हो गया मैं जाता रहा था आई हैड बीन गोइंग मैं जाता रहा था। मैं, रहा था मैं खाता रहा था मैं सोता रहा था अब देखिए यहाँ ता भी है काम जारी भी है और था भी है ता भी है जो सिंपल में आता है पास्ट सिंपल में काम जारी है रहा आई और था भी आ गया जो पास्ट को बताता है तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा मैं जाता रहा था पहले ये मैं करते रहा था जब ऐसा बताना है तब होता है आई हैड बीन गोइंग आई हैड बीन स्लीपिंग ट मी टेक वन वर्ब और एक वर्ब के साथ अब हम ये आठ टाइप के सेंटेंस को जरा बनाए फिर से लेट मी टेक वन वर्ब और इस एक टाइप के साथ हम आठ सेंटेंस को बनाए आठ टाइप को और वो क्या है वो आठ टाइप को कैसे हम समझने की कोशिश करें तो ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट देखिए बॉक्स में इसमें आप फ्यूचर को ना देखें अभी एकदम एक साथ पूरे को ना देखें क्लोज योर आईज डोंट सी फ्यूचर अब मैं हाइड कर देता हूं फ्यूचर को मैंने हाइड कर दिया और अब देखिए यहां टेंस में प्रेजेंट है और टेंस में पास्ट है राइट वही दो जो हमने पढ़े हैं और जो रियल टाइम है और उनके चार प्रकार यहां दिख रहे हैं सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस ही ड्राइव्स ए कार ही ड्राइव्स ही ए कार को भी भूल जाइए ही ड्राइव्स ये कौन सा फॉर्म हुआ फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे एस क्यों लगा है और कब एस नहीं लगता भर में ये आपको मालूम होगा मैं आगे फिर भी थोड़ा सा इसमें बताऊंगा इसको समझाने के बाद तो अभी तो फिलहाल आप ये देखें कि ये फर्स्ट सिंपल फॉर्म है ही ड्राइव्स राइट और पास्ट में क्या है सेकेंड फॉर्म जिसको हम वी टू से रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन बोलते थे मैं कैसे बोलते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब तो सेकेंड फॉर्म क्या हो गया ही ड्राइव ही ड्रोव क्या हो गया ही ड्रोव अब हम कंटिन्यूस पे आते हैं दोनों में जारी कंटिन्यूस प्रेजेंट में और कंटिन्यूस पास्ट में तो प्रेजेंट में क्या आएगा काम जारी है तुम क्या कर रहे हो मैं खा रहा हूं तो यहां पे क्या लिखेंगे ही इज ड्राइविंग राइट ये हुआ कंटिन्यूस प्रेजेंट में अभी क्या कर रहे हो अभी चला रहा हूं गाड़ी चला रहा हूं उस समय क्या कर रहे थे अब पास्ट में आ जाए तो उस समय गाड़ी चला रहा था जब मैंने तुम्हें देखा तुम गाड़ी चला रहे थे यानी जब मैंने देखा उस समय काम जारी था और मैंने देखा यानी भूत पुरानी बात हो गई मैंने देखा तो पुरानी बात हो गई तो यहाँ पर आपको समझना है कि कंटिनस में ही वॉज ड्राइविंग प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही इज ड्राइविंग पास्ट में ही वॉस ड्राइविंग तो अंतर हुआ इज और वॉस का और आई एन जी दोनों में राइट दिस इज द सेकेंड फर्स्ट इज सिंपल सेकेंड इज कंटिन्यूअस ना लेट्स कम टू द थर्ड थर्ड को क्या कहते हैं परफेक्ट जब वर्क कंप्लीट हो गया हो क्या लिखा है ही हैज ड्रिवन ड्रिवन जो है वो ड्राइव का थर्ड फॉर्म है ड्राइव वर्ब का थर्ड फॉर्म है और वर्ब क्या है एक्शन प्लस टाइम को बताने वाला शब्द एक्शन प्लस टाइम को एक शब्द में बताने के लिए जो शब्द यूज करते हैं वो वर्ब कहलाता है एक्शन प्लस टाइम तो यहाँ पर एक्शन क्या है चलाना और टाइम क्या है परफेक्ट काम पूरा हो गया काम पूरा होने के बाद जब बोला गया तो क्या होगा ही हैज़ ड्रिवन उसने चलाया है उसने खाया है उसने चलाया है ही हैज ड्रिवन काम पूरा हो गया तभी तो पूछा गया ना कि ये किसने खाया है काम पूरा किसने कर दिया कौन सा काम खाने का ये किसने गिराया है काम पूरा हो गया कि कौन सा काम कौन सा एक्शन गिराने का एक्शन सो हु हैज ही हैज ही ड्रिवन उसने चलाया है ये तो हो गया वर्तमान में काम प्रेजेंट में चला और ऐसे ही पास्ट में क्या होगा पास्ट में आएगा उसने चलाया था तो था के लिए क्या शब्द होता है हैड। और चलाया है में है के लिए क्या है? हैज ये हैज और हैड क्या है इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे पर अभी जान लीजिए कि ये जो फॉर्म है इसमें हम उसने चलाया है में हैज आएगा और यदि उसने के बदले बहुवचन है तो उन्होंने चलाया है तो बहुवचन में हैज के बदले हैव हो जाता है उन्होंने चलाया है दे हैव ड्रिवन दे मने उनने और उन्हें मतलब एक से ज्यादा लोग और जब एक से ज्यादा लोग हैं तो हैव आता है और एक है तो वर्तमान में हैज आता है तो यहां पे ही है ही ड्रिवन ए कार उसने कार चलाई है राइट right? लेकिन पास्ट टेंस में पास्ट में चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो एक्शन करने वाला या सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं वो चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो उसके लिए एक ही शब्द यूज करते हैं हैड था के लिए हैड ही हैड ड्रिवन और दे हैड ड्रिवन एक ही हैड ही उपयोग होगा ख्याल रखिए जब प्रेजेंट की बात हुई सो ही हैज ड्रिवन या दे हैव ड्रिवन लेकिन यहां पर ही हैड ड्रिवन And they had driven. Dono me had rahega. So, this is the third form of verb. Now, let's come to the fourth form. What is the fourth form? Perfect continuous. Or perfect continuous. Maine kya bataya tha aapko? Formula V. First form of verb. Plus I-N-G. He has been driving. परफेक्ट और कंटिन्यू काम पूरा भी हो गया और जारी भी है कुछ काम पूरा हो गया और कुछ जारी है बार बार इस बात को याद रखिए कुछ काम पूरा हो गया उसका परफेक्ट और वो काम जारी है तो कंटिन्यूस तो परफेक्ट कंटिन्यूस तो कब बोलते हैं कैसे बोलते हैं जिसमें ये भावना निकले जिसमें ये बात साफ हो कि काम पूरा भी हुआ और काम जारी भी है उसके लिए है हैज़ बीन बीन ही हैज़ बीन ड्राइविंग वह चलाता रहा है यानी पहले चलाया है वो पूरा हो गया और अब चला भी अभी भी चला रहा है चलाता रहा है गाता रहा है यानी पहले बहुत से गाने गा लिया है और अभी भी गा रहा है वह पढ़ता रहा है वह दौड़ता रहा है वह खेलता रहा है मतलब पहले खेला है और अभी भी खेल रहा है तो ऐसे वाक्य जहाँ पर काम जारी है काम पूरा भी हुआ है और कुछ काम जारी है वो कहलाएगा परफेक्ट कंटीन तो उसमें ही हैज़ बीन ड्राइविंग और पास्ट में हैज़ का पास्ट क्या है मैंने बताया हैड हैव का पास्ट क्या है मैंने बताया हैड चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो कर्ता जिसे सब्जेक्ट भी कहते हैं वो चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो करने वाले कितने भी हो हैड ही आएगा पास्ट में लेकिन प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक वचन हो यदि कर्ता करने वाला यदि एक हो तो हैज होगा और करने वाले यदि बहुत हों तो हैव होगा सो ही हैज बीन ड्राइविंग दे हैव बीन ड्राइविंग ही हैड बीन ड्राइविंग दे हैड बीन ड्राइविंग सो दीज आर द फोर फॉर्म्स